ये देखें व्यूअर्स, ये कितना ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से कितना ज्यादा चीजी बना है। तो चलिए आज हम बनाते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। आज हम बनाने जा रहे हैं मजेदार क्रिस्पी चीजी चिकन स्प्रिंग रोल। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके लिए जो चीजें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ हमें चाहिए चिली सॉस 1 टीस्पून, सफेद सिरका हमने यहाँ लिया है 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, हाफ कप हम यहाँ यूज करेंगे मोजरेला चीज जिसे हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अगर आपको ज्यादा चीज पसंद है तो आप ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। जूलियन कट गाजर हमने यहाँ ली है 1 कप जिसे हमने इस तरह से काट लिया है। एक हमने बड़े साइज की ग्रीन चिली ली थी जिसके सीड्स निकाल कर इसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज लेकर हमने इसे इस तरीके से चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून हमें चाहिए चॉप किया हुआ लहसुन। मसालों में जो चीजें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। चिकन पाउडर हम यहाँ यूज करेंगे 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्चें हमने यहाँ ली है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून। बॉयल शेडेड चिकन हमने लिया है 1 कप फुल जिसमें हमने 2 से 3 जवे लहसुन के डाले हैं और इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालकर इसे बॉयल कर लिया था। 2.5 कप हमें चाहिए बंद गोभी जिसे हमने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना। एक पैन लेंगे, एक पैन में हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। यहाँ फ्लेम हमने लो मीडियम रखी है। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन और चॉप किया हुआ प्याज। फ्लेम पर अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सभी वेजीज, जो भी हमने वेजिटेबल कट करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर जाएगा बॉयल किया हुआ चिकन, चिली सॉस, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस और सफेद सिरका। और सभी स्पाइसेस इसके अंदर डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट के लिए सोते करेंगे। इसे जस्ट हमने सोते करना है। अब हम इसे निकाल कर एक तरफ अलग बाउल में रख देंगे। स्प्रिंग रोल की फिलिंग को हमने एक बाउल में निकाल कर ठंडा करने के लिए एक तरफ रख दिया था। ये देखिए अब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मोजरेला चीज। चीज डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे एक तरफ रख देंगे। फोर टेबलस्पून हमने यहाँ मैदा लिया है। 4 टेबलस्पून इस मैदे के अंदर हमने पानी डाला है और इसका एक थिक सा बैटर तैयार कर लिया है जो कि लई का काम करेगा। साथ ही हमें चाहिए स्प्रिंग रोल शीट्स, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। सबसे पहले हम एक शीट लेंगे, उस शीट के अंदर हम रखेंगे स्प्रिंग रोल की फिलिंग। अब हम इसके दोनों किनारों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बाकी के हिस्से पर हमने जो लई इसकी तैयार की थी वो लगाकर इसे अच्छे से कवर कर देंगे। ये याद रखिएगा स्प्रिंग रोल को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना बहुत जरूरी है वरना इसके अंदर ऑयल चला जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए हमारा एक रोल तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम फिलिंग ऐड करेंगे, फिर से इसकी दोनों साइड्स फोल्ड करेंगे और बाकी साइड पर हम लई लगाएंगे, इसे अच्छे से कवर कर देंगे। सभी स्प्रिंग रोल तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसे फ्रीज कर लीजिए और आपका जब दिल चाहे आप इसमें से स्प्रिंग रोल निकालें और इसे फ्राई करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल को फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही उसमें स्प्रिंग रोल डाल देंगे
और इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने। कुछ मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसी तरीके से हम इसे टर्न करके दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। कुछ ही देर में दोनों साइड बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे पेपर टॉवल पर निकाल लेंगे और सर्व कर देंगे। इस तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करते हुए मज़ेदार चिकन स्प्रिंग रोल बनाइए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर लो ही रखी थी ताकि इसकी क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा देर तक बरकरार रहे। हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।